नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल tutor.com डॉट कॉम पर स्वागत है आशा करती हूँ अब तक आपने सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दिया होगा और अभी हमारी नई वीडियोस भी आएंगी अबाउट कॉम्पिटेटिव मैथ्स फॉर रेलवे एसएससी यूपीएससी डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्लीज वो भी देखिएगा और इसके बाद हमारी मैथ्स की वीडियो भी डलेगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन से आएगा अगर मेरी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में निकल रही है तो वो हो गई स्पीड इसका मतलब मेरी स्पीड कॉन्स्टेंट होती है और एक्सिलेशन एक्सिलेशन की आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने एक बार क्विक रिविजन भी किया है अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता आई वुड सीरियसली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द वीडियो ऑन दीडियो सो यहाँ पे देखिए एक कार है जो मूव कर रही है इसकी डायरेक्शन जैसे आपको दिख रही होगी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है द डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी ये बंदा लेफ्ट 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 देखिए ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा अब अगर मैं कहती हूँ कि स्पीड सेम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी एक क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है तो अगर मेरी एक भी चीज, चीज चेंज होता है अब यहाँ देखिए मेरा डायरेक्शन चेंज हो, हो रहा है तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ एक्सिलेशन हो रहा है अगर मैं कहूँ कि यहाँ स्पीड भी चेंज हो रही है तो अगर मेरी स्पीड भी चेंज हो रही है तो मेरी वेलोसिटी फिर से चेंज हो रही है इसका मतलब दोनों केस में एक्सिलेशन है बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है अगर मेरी स्पीड कॉन्स्टेंट हो मतलब स्पीड जो है वो मेरी यूनिफॉर्म रहेगी जो है पर मेरी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और मैं एक सर्कुलर पाथ पे चलूंगा तो अगर मेरी तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं कहूंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जैसे कि आपको यहाँ दिखेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस केस में मैं कहूंगी कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अब अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम सिंस ये एक पेरेमीटर में वह कर रहा है इसका सर्कम को तो मेरा डिस्टेंस हो गया यहाँ पे सकम जो की हुआ टू पाई आर आर यहाँ पे मेरी रेडियस ऑफ द सर्कल है सो so,

या फिर आप एक पत्थर को बांधो सर के ऊपर धागे से बांधो और सर के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाओ वैसे आई वुड प्रेफर आप ना करो कि इसको चोट लग सकती है पर उस केस में भी वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ Uh, um, आज का एग्जांपल देती पर एक्चुअली यूनिवर्स में इलेप्टिकल पाथ है सर्कुलर पाथ नहीं है तो उसका नहीं दे सकती सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू लेट्स जस्ट डू अ क्विक समराइजेशन स्पीड so कांस्टेंट uh, होती है डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है और इसका फॉर्मूला होता है so इससे कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको डॉट कॉम पर मिलेगी अः uh, वेबसाइट पर और वहां पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे जो अगर आप अटेप करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट इवेल्युएशन होगा Thank you so much. Stay healthy. Stay safe. Bye bye.